आज बनाऊंगी ऐसी रेसिपी जो इस गर्मी में ना 15 दिन के लिए सब्जी बनाने से छुट्टी दे देगी। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करती हूँ आज दोपहर की थाली से। तो दोपहर का वक्त हो गया है लगभग 11:30 बजे का, और यहाँ पे मैं ना अपनी सारी तैयारी करके आ गई थी फेवरेट जगह पे कट करने सब्जियाँ वगैरह। तो यहाँ पे आधी लौकी थी जिसे ना छोटे पीसेज में कट कर लेना है, जैसे नॉर्मली हम सब्जी के लिए कट करते हैं। लौकी भी बहुत महंगी है तो मैं आधा आधा करके ही चलाती हूँ, खैर छोड़िए। तो यहाँ पे ना मैंने लौकी को कट कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी कम होती है लौकी की। और यहाँ पे लेके आ गई हूँ मैं पहले से किचन में, सबसे पहले लेकिन बड़ों को प्रणाम और छोटों को आए। तो किचन में लेके आने के बाद ना हमें इसे चढ़ा देना है, क्योंकि जब तक ये होगा ना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाया है दाल, और मैंने यहाँ पे चना का दाल लिया है, आप अपने हिसाब से लें, लेकिन चने के दाल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे ना मैंने लौकी को डाल दिया है चने के दाल में, और पानी आप अपने हिसाब से ले लें, कुकर जिस हिसाब से हो या दाल आपने जिस हिसाब से लिया हो। और ये भी डाला है मैंने हल्दी, और हल्दी के साथ डाल रही हूँ नमक, यानी कि जैसे हल्दी नमक डाल के हम दाल बनाते हैं ना, उसी तरह अभी फ़िलहाल इसे हल्दी नमक डाल के ही सिर्फ हमें नॉर्मली दाल की तरह पका लेना है। तो यहाँ पे ढक्कन लगाने के बाद 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 4 से 5 सीटी ना लो फ्लेम पे डालेंगे, क्योंकि चना का दाल है थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। और यहाँ पे फिर से आ गई हूँ मैं उसी जगह पे जब तक वो दाल हमारी पक रही है। तो यहाँ पे मैंने लिया है करेला, करेला वजन में लगभग ये 500 ग्राम है। तो यहाँ पे करेला जो है ना जिस हिसाब से मुझे मिला मैं वही ले आई, अभी फ़िलहाल बिल्कुल जैसा चाहती हूँ वैसे सब्जियाँ नहीं मिलती है। मैंने यहाँ पे 4 पीस करेला लिया था, और उसके लिए 3-3 पीस कर दिए थे, क्योंकि साइज़ में ना लंबा था और छोटे छोटे पीसेस बना के ना मैं थोड़ा लंबे टाइम तक इसे चलाना चाहती थी। तो करेले की इस रेसिपी को ना, यानी इस रेसिपी को हम 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने करेला वगैरह प्याज वगैरह कट कर लिया था, और चलिए इसे लेके चलते हैं हम किचन में। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे जो हमारा दाल है ना ये देखिए आराम से सीटी दे रहा है और ऊपर से बाहर भी आ गया। मैं कभी भी ऊपर से तेल नहीं डालती, क्योंकि मैं सोचती हूँ उतने में तो छौका लग जाएगा जितने में मैं तेल उसके अंदर डालूंगी। तो तब तक मैंने ना दाल को ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरी साइड, और इस साइड में चढ़ा दिया है सस्पेन में पानी, और उसमें डाल रही हूँ करेले जो हमने कट करके रखे थे। तो यहाँ पे करेले डालने के बाद हमें डालना है इसमें नमक, आप 1 चम्मच नमक डाल सकते हैं या फिर 1/2 चम्मच भी। ज़्यादा नमक डालने से ना हमारी जो करेले हैं ना उसमें भी अच्छे से नमक आ जाएगा, ज़्यादा यानी कि वही 1 चम्मच। और इसे ढक के ना थोड़ी देर तक बॉयल आने देंगे, लगभग 3 से 4 मिनट, या फिर आपके करेले पे डिपेंड होगा ये। इस बीच मैंने उधर दाल भी बंद कर दिया था, क्योंकि 4 से 5 सीटी ना लो फ्लेम पर आ चुकी थी। तो ऐसे 4 से 5 मिनट में जो ये करेला है ना ये थोड़ा सा मोटी चमड़ी का था, तो 4-5 मिनट लगा था। कभी कभी ना 1-1.5 मिनट में ही ताजे करेले होते हैं ना, तो उसकी जो ऊपर की परतें होती है ना वो पक जाती है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप पका लेंगे ना करेले को तो उसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा नहीं पकाएं। इस वक्त आप 80% ही पकाएं, आप चाकू से या फिर चम्मच से स्पून से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद उसे उतार लीजिएगा और इस तरह से निकाल के खड़ा कीजिएगा ना, तो इसके अंदर जो पानी होगा वो भी बाहर आ जाएगा, और ये थोड़ा सा ठंडा भी होगा। तो ये थोड़ा अभी गरम गरम है, आप चाहे तो इस प्रोसेस को ना कभी भी बैठे बैठे करके रख सकते हैं, और जब बनाना हो तब बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ना इसके बीच में चाकू को घुमाते हुए इसके अंदर के जो बीज है ना उसको निकाल लेना है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली कर लेना है, क्योंकि इसके बीज जो है ना थोड़े से कड़वे भी लगते हैं और इसके बीज के भी काम आएंगे हमें। तो यहाँ पे मैंने ना इस तरह से सारे जो करेले के पीसेस थे उसके बीज को निकाल लिया है। तो इसे कर देंगे साइड में, जो पानी एक्स्ट्रा होगा आप निकाल दें, फिलहाल पानी है नहीं। और यहाँ पे तब तक मैं सोच रही थी कि मैं चावल चढ़ा देती हूँ, और मैंने इधर चावल चढ़ा दिया। नॉर्मली मैंने कुकर में ही चावल चढ़ाया है, तो मैंने ये जो चावल है ना इसमें डबल पानी लगता है। नॉर्मली जो चावल होते हैं उसमें 1.5 गुना पानी डालते हैं कुकर में, लेकिन ये जो चावल है ना ये जल्दी गीला नहीं होता, चाहे आप थोड़ा ज़्यादा भी पानी डाल दो, तो इसमें डबल पानी ही डालती हूँ। यहाँ पे आ गए हैं मिक्सी का जार लेके मिक्सी के पास, और उसमें डाल रही हूँ 20 से 25 लहसुन की कलियाँ है, उसके साथ जो बीज था करेले का वो है, 1.5 से 2 इंच अदरक के टुकड़े जिसको मैंने कट कर लिया था पीसेज में, और वहीं मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों के दाने यानी कि राई के दाने। थोड़ी देर पहले मैंने इसे फूलने के लिए रख दिया था ताकि अच्छे से जल्दी पिस जाए और साफ भी हो जाए। वहीं पे लिया है मैंने 2 आम के अचार, और इसको ना इस तरह से उसमें डालना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो उसमें ना जाए, क्योंकि ये अच्छे से पिसेंगी नहीं और छोटे छोटे पीसेस हो जाएगी तो दांत वगैरह में, या कभी हो सकता है पेट पे चले जाए तो चुभेगी गले वगैरह में।
तो इसके जो पार्ट होंगे ना हार्ड वाले यानी कि अटली जो होगी वो आप निकाल दीजिएगा। और यहीं पे मैंने दो प्याज लिए हैं, तीन प्याज मैंने कट किया था, दो प्याज मैं यहाँ पे पीस रही हूँ दो प्याज के कटे हुए को। तो इसका हमें बिल्कुल स्मूथ सा मतलब मसाला पीसना है, स्मूथ सा ही बिल्कुल बारीक कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो मसाला है ना हमारा पीस गया है तो इसे रख लेते हैं इस साइड में। और हमारा जो दाल है वो उस वक्त हमने बंद कर दिया था तो दाल को उतार दिया मैंने नीचे और इस कुकर को यानी कि चावल वाले कुकर को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे साइड। और चावल जो है ना हमारा लो फ्लेम पे एक सीटी में बिल्कुल अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाया है कढ़ाई और कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। गैस पहले से ही ऑन था और तेल के गर्म होते ही इस रेसिपी को आप ना सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आप स्टोर करके रखेंगे ना आपको कभी भी ये ना बासी नहीं लगेगा, आप जब भी इसे गर्म करके खाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये दाल चावल के साथ तो आहा मैं क्या बताऊँ, इतना स्वादिष्ट लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। इसके मसाले जो करेले नहीं भी खाते ना वो भी इसके मसाले चट कर जाते हैं, यानी कि मेरे बच्चों को इसका मसाला बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए उधर मेरे चावल भी हो गया था, एक सीटी आ गई थी। और थोड़ी थोड़ी देर तक ना करेले को इस तरह से छोड़ देंगे ऑयल में ताकि हमारा जो करेला है ना साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने मसाला पिसा हुआ ताकि जल्दी जल्दी ये भी काम हो जाए। तो उसमें डाला है एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार कह सकते हैं, याद रखें कि हमने इसमें अचार भी डाला है, और एक चम्मच से थोड़ा कप गरम मसाला पाउडर, तो आप उस हिसाब से ही नमक डालें। और यहाँ पे देखिए लगातार चलाते हुए बीच बीच में थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे घुमाते हुए अपने करेले के इस पीस को ताकि अच्छे से सोना हो जाए, कच्चा नहीं छोड़ना है, ऊपर से भी अच्छा स्वाद आना चाहिए और अंदर से भी। और जब हर तरफ से अच्छे से सिक जाएगा, पक जाएगा, जो 20% हमने छोड़ा था वो जब पक जाएगा तो इसे बिल्कुल इस तरह से छान के ऑयल से निकाल के रख लेंगे हम किसी बर्तन में। और जो ऑयल बचा है ना उसी में अब डालना है हमें दो तेज पत्ता, और जैसे ही तेज पत्ता कड़क जाए यानी कि चटक जाए उसमें डालेंगे हम जीरा आधा चम्मच के करीब। वहीं पे ले लिया है मैंने दो लाल मिर्च यानी कि दो लाल सूखी मिर्च, आप चाहे तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक प्याज जो कटे हुए हमने रखे थे ना लंबे स्लाइसेस वाले वो डाला है यहाँ पर। और प्याज को ना हमें सुनहरा होने तक भून लेना है, तो लगभग 1.5 से 2 मिनट में ना हाई फ्लेम पे हमारा जो प्याज है वो अच्छे से भून गया है। तो यहाँ पे हमने जो मिक्स करके मसाला रखा है उसे डालना है हमें ऑयल में, और आप अच्छे से पोंछ के निकालें वरना मसाला ना हमेशा लगा रह जाता है और उतना वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मसाले को अच्छे से डालेंगे उसमें मिक्सी के जार से, और उसके बाद ना इसको हमें भूनना है जब तक कि ये ऑयल रिलीज ना कर दे। तो ऑयल हमने कम ही डाला है जिस हिसाब से मसाले में बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये ज़्यादा ऑयल मतलब रिलीज़ करेगा, नहीं तो नॉर्मली जब ये भुन जाएगा ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू आने लगेगी भुनी भुनी सी। तो इसको भी तब तक कर दिया है मैंने दूसरे साइड ट्रांसफ़र क्योंकि हमारा जो चावल और दाल है वो हो चुका था। तो यहाँ पे उस साइड में रखते हुए उसको भी थोड़ा हम भूनते रहेंगे क्योंकि छोड़ेंगे तो वो लग जाएगा नीचे से। गैस का फ्लेम रखा है मैंने लो, यहाँ पे चढ़ा दिए इस साइड में मैंने दूसरी छोटी कढ़ाई, और उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें डाला है मैंने दो तेज पत्ते, और तेज पत्ते के पकते ही मैं डाल रही हूँ उसमें थोड़ा सा जीरा, और जीरा के साथ दो हरी मिर्च ली है मैंने जिसको मैंने बीच से चीरा लगा दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी सूखी हुई लाल मिर्च का। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को लंबे स्लाइसेस में कट करके डाला, और मुझे ये अदरक लहसुन का छोटे छोटे जो पीसेस मैंने करके रखा था ना हाफ इंच अदरक और 2-3 लहसुन की कलियाँ थी वो मैंने पहले नहीं डाला, ध्यान से उतर गया था। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप भी थोड़ा सा साइड करके प्याज को उसको बीच में ऑयल में डाल दें ताकि वो अच्छे से पक जाए। और इस तरह से मिक्स करते हुए हमें जो प्याज है ना उसे अच्छे से भून लेना है, सुनहरा कर लेना है। और इसी के साथ जो हमने दूसरे साइड रखा है ना मसाला उसको भी देखते रहना है वो कहीं नीचे से चिपक ना जाए। तो यहाँ पे जो हमारा प्याज है ना वो अच्छे से सुनहरा हो गया है। इसी के साथ डाल रही हूँ इसमें कटे हुए टमाटर, यानी कि मैं इसमें एक टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर भी बहुत महंगे चल रहे हैं। और वहीं पे डाला है मैंने इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, और इसके बाद इसे हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। नमक हम यहाँ पे ना नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने जो है ना अपने दाल में पहले से नमक डाल रखा है, अगर अभी डालेंगे ना तो नमक हमारा थोड़ा तेज हो जाएगा। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें अपने मसालों को ना भून लेना है। और यहाँ पे देखिए दाल गाढ़ा हो गया है क्योंकि मैंने छोटे कुकर में बनाया था,
और लेकिन फिर भी ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। इसमें पानी जितना आप चाहते हो, जितनी पतली दाल चाहते हो उस हिसाब से आप इसमें पानी मिला दें, और गैस का फ्लेम इस वक्त बिल्कुल हाई रखें ताकि इसमें जो बॉयल है ना वो जल्दी आ जाए। तो इस तरह से मैंने इसमें दाल डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं फिर से बता रही हूँ कि आप जितनी चाहे उस हिसाब से पतली रख सकते हैं दाल को। और इसी के साथ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है ना तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए हुए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे हमने ना मसाले को लगभग 10 से 12 मिनट अच्छे से भूना है। ऑयल ज़्यादा हुआ तो जल्दी भुन जाएगा, ऑयल थोड़ा कम होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। जब अच्छे से मसाले भुन गए तो उसको निकाल लिया हमने करेले वाले प्लेट में, और अब इसे जो है ना हमें करेले में भर देना। तो ये गरम गरम है इसलिए मैंने चम्मच से भर दिया। आप चाहे तो हाथों से भी इसे फटाफट भर सकते हैं, ज़्यादा बर्तन अगर आप लगाना ना चाहते हो तो। इस तरह से हमें जो है ना करेले के अंदर इसको भर देना है। पहले ऊपर के साइड से हम उसके अंदर मसाला डालेंगे और फिर पीछे की जो पीछे वाला पार्ट होता है ना चम्मच का, उससे उसके अंदर अच्छे से डालेंगे। क्योंकि आप सिर्फ ऊपर ऊपर जब डालते हैं ना तो मसाला अच्छे से अंदर तक नहीं जाता, और जब मसाला अंदर तक अच्छे से जाता तो इसका लुक भी अच्छा आता है और टेस्ट भी। तो इस तरह से आप चाहें ना तो 1 किलो करेले का भी बना के रख सकते हैं। इसको आप 15 दिन भी स्टोर कीजिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपने एक बार ये बना लिया ना तो आप मतलब चावल दाल के साथ इसको बिल्कुल परफेक्ट खा सकते हो। नॉर्मल चावल दाल के साथ इसके मसाले बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और ये देखिए हमारी जो दाल है ना बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। ये भी डाला है मैंने इस पर थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता। तो ये देखिए थाली भी हमारी तैयार हो चुकी है, उसमें डाला है मैंने चावल दाल, और ये देखिए हमारी मेन रेसिपी करेले का भड़वा। और उसी के साथ रख रही हूँ मैं भिंडी का भुंजा, जो मैंने अभी नहीं सुबह में ही बनाया था बच्चों के नाश्ते के लिए। और उसी के साथ रख रही हूँ रोटी, इसको भी मैंने सुबह ही बनाया था। जनरली दोपहर को चावल ही खाते हैं, 1-2 रोटी होती है ना सुबह की तो वो खा लेते हैं। उसी के साथ रखा है मैंने कुछ स्लाइसेस खीरे के। तो यहाँ पे जो है ना हमारी थाली बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।